मैंने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं यहाँ पर विश्वविद्यालय के समक्ष। हम अपसम कॉलेज ऑफ एजुकेशन के छात्र प्रदीप कुमार मेरा नाम हुआ और हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि हम लोगों को मानसिक रूप से हमेशा प्रताड़ित किया जाता है अवैध राशि के वसूली करने के सबक में। फीस के पर एग्जामिनेशन फीस फॉर्म भरने से लेकर के अभी तक जो लेसन प्लान की कॉपी तक हम लोगों से अवैध वसूली करने के नाम पर 1,000 रुपया 5,000 रुपया और यहाँ तक कि रिजल्ट के नाम पर 8,000 से 10,000 रुपया तक अवैध वसूली की नाम पर दबाव बताया जाता है। जो लड़के नहीं दे पाते हैं, जो छात्र हम लोगों में विद्यार्थी नहीं दे पाते हैं, उन पर मानसिक रूप से बार बार दबाव दिया जाता है कि तुम्हारा नंबर काट दिया जाएगा, तुमको फेल कर दिया जाएगा। इन सब सारी बातों के समक्ष हम लोग VC के यहाँ आकर के यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग की मांग ये है कि जो हमारी जांच टीम कॉलेज में यूनिवर्सिटी की गई थी, उन्होंने अभी तक जो हमारे जांच का ये रिजल्ट आना था उसको प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को यूनिवर्सिटी प्रकाशित करे, कुलपति से हमारा यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी करे और रिजल्ट जो अभी तक हम लोग का फर्स्ट ईयर का रोके रखा गया है उसको जल्दी से जल्दी प्रकाशित करें।